ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो वर्ष 2024 यानी कि आने वाले नववर्ष की 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। जब मेरे चैनल पर वार्षिक राशिफल आएगा तो अवश्य उसमें मैं पॉजिटिव नेगेटिव अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव हर चीज़ के बारे में विश्लेषण दूंगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल इतना है कि जब हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, सभी के जीवन में नववर्ष एक नई शुरुआत लेकर आता है। लोग नए रेजोल्यूशंस लेते हैं, लोग नई चीज़ों को करने के बारे में सोचते हैं। अब कितना करते हैं कितना नहीं करते वो अलग चीज़ है, लेकिन हम हमेशा ये आशा के साथ किसी भी नई चीज़ का शुरुआत करते हैं कि उसमें हमें सफलता मिलेगी। और जब हम सकारात्मकता के साथ उसकी शुरुआत करते हैं तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। तो इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल इतना है कि आपको 10 सकारात्मक भविष्यवाणी दी जाए, जिसके कारण आपके मन में आपके जीवन में एक उत्साह बढ़े और आप आने वाले नववर्ष का जो एक जो शुरुआत है वो एकदम पॉजिटिव वे में कर पाए। तो इस वीडियो में मैं 10 महत्वपूर्ण सकारात्मक भविष्यवाणियां जो साल 2024 की आपके लिए हो सकती है उनकी चर्चा करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न राशि बहुत सटीकता देती है, जिनको पता है वहां से देखें, अन्यथा आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। तो शुरुआत करते हैं इन 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों का। सबसे पहली भविष्यवाणी, बृहस्पति आपके लग्न में मार्गी हो जाएंगे। 31 दिसंबर को बृहस्पति महाराज आपके लग्न में ऑलरेडी थे, वक्री चल रहे थे। 31 दिसंबर को वो मार्गी हो जाएंगे, यानी कि नव वर्ष से ही उनका मार्गी प्रभाव आपके जीवन में एक असर दिखाना शुरू कर देगा। अब बृहस्पति आपके लिए स्वयं भाग्य स्थान के स्वामी हैं, बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक हैं, बृहस्पति स्वयं सौभाग्य के कारक हैं, बृहस्पति स्वयं धन के कारक हैं। तो जब भाग्य स्थान के स्वामी और इतने सारे शुभता के कारक आपके लग्न में मार्गी हो जाएंगे तो इस साल की यानी कि 2024 वर्ष की जो शुरुआत ही है वो आपके लिए सकारात्मकता के साथ होगी। यानी कि कई अटके काम बनेंगे, धन आएगा, सौभाग्य आएगा, घर में खुशी आएंगी और कहीं ना कहीं जीवन जो एक रुक सा गया था क्योंकि लग्न में एक वक्री ग्रह बैठा था, वो जीवन भी कहीं ना कहीं आपका आगे बढ़ना शुरू कर देगा। और इसके साथ ही बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी हैं तो विदेश से संबंधित कार्यों में भी आपको सफलता मिल सकती है। और कहीं ना कहीं ये बृहस्पति आपको जनवरी से लेकर मई, ये जो पीरियड है, यहाँ पे आपको किसी बड़े धार्मिक स्थल का दर्शन भी करवा सकते हैं। जो दूसरी नंबर की भविष्यवाणी ये है कि ये बृहस्पति जब लग्न में आपके मार्गी हो जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत उच्च कोटि का संतान योग भी बनाएंगे। कारण क्या है? एक, बृहस्पति स्वयं संतान के कारक होते हैं। बृहस्पति महाराज के बिना संतान की पूर्ति नहीं हो पाती। तो बृहस्पति जब लग्न में है और मार्गी हो जाएंगे तो अपने आप वो संतान के योग बनाएंगे। दूसरा, बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो रहेगी पंचम भाव पर, जो संतान का स्थान है। तो संतान प्राप्ति के लिए, कंसीविंग आदि के लिए, ये जो साल है वर्ष 2024, स्पेशली जब तक बृहस्पति का गोचर नहीं हो जाता यानी कि जनवरी से मई तक का पीरियड, ये बहुत शुभ है संतान प्राप्ति के लिए। तो ये बृहस्पति महाराज आपके लिए संतान प्राप्ति के योग भी बना रहे हैं। जो तीसरी भविष्यवाणी है वो है शनि महाराज की लग्न पर दृष्टि और बृहस्पति महाराज का लग्न में स्वयं होना। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि शनि और बृहस्पति अगर मिलकर किसी भाव पर प्रभाव डालते हैं तो उस भाव को डबल एक्टिवेट कर देते हैं। तो शनि का की दृष्टि रहेगी लग्न पर, बृहस्पति लग्न में बैठे होंगे, तो आपका लग्न शुरुआती 5 महीनों के लिए एटलीस्ट या 4 महीनों के लिए, जो मई तक का काल चक्र रहेगा बृहस्पति का लग्न में, वो बहुत एक्टिवेट रहेगा। अब देखिए, बृहस्पति आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, शनि आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी हैं, यानी कि कार्यस्थान और लाभ स्थान के स्वामी का लग्न पे प्रभाव जहाँ पर बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी बैठे, यानी कि करियर हो, पैसा हो, कुछ भी हो, जहाँ पे भौतिकता का काम आ गया वहाँ पर आपको साल के शुरुआती भाग में यानी कि
मई तक, जब तक बृहस्पति का गोचर नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसके साथ ही ये जो शनि महाराज हैं, ये भी यहाँ पर पंचम भाव को देखेंगे, जो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और पुनः संतान प्राप्ति के लिए भी ये बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। तो ये हुई तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी है राहु महाराज का पूरे वर्ष आपके 12वें स्थान पर होना। 12वां भाव विदेश का है, राहु विदेश के कारक हैं, और इसके साथ ही 12वां भाव कहीं ना कहीं राहु के लिए बहुत शुभता है, शुभता लेकर आता है। क्यों? क्योंकि ये 12वां भाव भोग का है, आपके जीवन के लग्जरीज का है, आपके जीवन के आनंद का है भौतिक रूप से। तो जब राहु यहाँ पे आते हैं तो भौतिक जीवन के आनंद देते हैं, और भौतिक जीवन के आनंद तभी मिलते हैं जब व्यक्ति के पास धन होता है। तो यहाँ से राहु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, विदेश संबंधित चीज़ों में सफलता देंगे। जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, और जो विदेश में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु यहाँ से बैठकर सीधा चौथे भाव को भी देखेंगे। तो विदेश में जाने के लिए, सेटल होने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, बिजनेस करने के लिए राहु महाराज पूरे साल, इस पूरे वर्ष 2024 में आपको अच्छे रिजल्ट्स अवश्य देने वाले हैं। अगला जो पांचवें नंबर की भविष्यवाणी है वो है शनि महाराज द्वारा लाभ योग। शनि महाराज जून तक मार्गी रहेंगे, नवंबर में मार्गी हो गए 2023 में, हर साल वक्री होते हैं शनि और बृहस्पति, तो शनि भी इस 2024 में अराउंड 30 जून को वक्री हो जाएंगे। तब तक शनि महाराज आपके लिए उच्च कोटि का धन योग, लाभ योग, इच्छा पूर्ति योग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 11वें घर के स्वामी आपके 11वें घर में हैं, और वो 10वें भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि कर्म को लाभ का स्थान मिल रहा है। इसका मतलब आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने भाग्य के द्वारा इस वर्ष 2024 के शुरुआती 5 महीनों में या 6 महीनों में बहुत अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कई प्रकार की इच्छाएं शनि महाराज यहां पर पूरी अवश्य करने वाले हैं। तो ये हुई पांचवी नंबर की भविष्यवाणी। छठी भविष्यवाणी ये है कि अप्रैल के मध्य के आसपास, 14-15 अप्रैल के आसपास सूर्य महाराज लग्न में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, और उनकी जो युति है वो बृहस्पति महाराज के साथ हो जाएगी। तो ये युति अपने आप में व्यक्ति को प्रमोशन दिलाने के लिए, पद प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 15 दिन की युति होगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समय होगा, क्योंकि वैसे भी बृहस्पति और शनि की जो युति है वो साल में एक बार ही होती है, और ऐसी स्थिति जहाँ पर सूर्य उच्च के हैं और बृहस्पति के साथ हैं वो 12 साल में एक बार होती है। तो ये जो करीबन 15 दिन का टाइम आएगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज 1 मई को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन प्रभाव तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में भी दिख सकता है। तो ये जो समय होगा 15 अप्रैल से करीबन 1 महीने तक का, वहाँ पर जो लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस सेंस में, अगर आप बिजनेस में हैं कुछ नई शुरुआत करने के लिए, जॉब में है प्रमोशन प्राप्त करने के लिए, और अगर पब्लिक फील्ड में है तो रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए, ये जो समय होगा ये बृहस्पति और सूर्य महाराज के कारण आपका बहुत शुभ निकल सकता है। तो ये रही छठी भविष्यवाणी। अब सातवीं भविष्यवाणी की बात करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बृहस्पति महाराज का जो प्रभाव है वो बदल जाएगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके दूसरे भाव यानी कि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन सदैव बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देव गुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, और दूसरा भाव होता है धन स्थान। बृहस्पति धन के कारक होते हैं शुक्र के साथ, तो उनका धन स्थान में आगमन यानी कि आपकी इनकम बढ़ेगी। दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण होता है, जॉब में आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा भाव कुटुंब स्थान होता है, घर में पैसा आएगा, और इसके साथ ही दूसरा भाव जो है वो पनफरा स्थान भी है, यानी कि जहाँ से अचानक से धन की वृद्धि हो सकती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और बृहस्पति जब यहाँ पे बैठेंगे तो उनकी नवी दृष्टि रहेगी 10वें भाव पर यानी कि कर्म स्थान पर, तो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ये आपके लिए 2024 का सबसे सर्वोत्तम समय होगा। जॉब चेंज करनी है, ट्रांसफर चाहिए, या कुछ ना कुछ अच्छा अपने कार्यक्षेत्र में करना है, उन सब चीज़ों के लिए जब जैसे ही बृहस्पति महाराज का 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन होगा, आपके लिए अच्छा टाइम, अच्छे योग बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये रही सातवीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं आठवीं भविष्यवाणी की तरफ।
देखिए, मैं हर बार बता चुका हूँ कि शनि और बृहस्पति मिलकर जब भी किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं, उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। तो जब बृहस्पति महाराज की का राशि परिवर्तन होगा साल 2024 में, तो उनकी जो सातवीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके आठवें घर पर, और शनि महाराज की दसवीं दृष्टि पड़ेगी आठवें घर पर। आठवां भाव होता है अकस्मत धन लाभ का स्थान, तो आपको अकस्मत धन लाभ हो सकता है, अचानक से धन लाभ हो सकता है। आठवां भाव वसीयत आदि का भी होता है, तो वसीयत आदि से आपको लाभ हो सकता है। आठवां भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है, वहां से भी लाभ होगा। और स्टूडेंट्स जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज करते हैं, उनके लिए भी आठवें भाव का डबल एक्टिवेट होना कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट देकर आएगा। और ये भी पनफरा स्थान होता है, यानी कि जहाँ से अचानक से धन की प्राप्ति होती है। तो ये शनि महाराज बृहस्पति महाराज मिलकर आठवें भाव को जब आपके प्रभावित करेंगे, तो यहाँ से भी आपको धन के संबंध में और बाकी चीज़ों के संबंध में बहुत शुभ रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये थी आठवीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं नवी भविष्यवाणी की तरफ। देखिए, जैसे ही बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन हुआ, तो आपका जो लग्न भाव है वो कर्तरी योग में आ गया। देखिए, मैं यहाँ पे ना शुभ कर्तरी कह रहा हूँ ना पाप कर्तरी कह रहा हूँ, मैं केवल कर्तरी योग कह रहा हूँ। कर्तरी योग तब बनता है जब कोई भी भाव या कोई भी ग्रह के दोनों साइड कोई ग्रह बैठ जाते हैं। शुभ कर्तरी तब बनता है जब दोनों साइड शुभ कर्तरी हो शुभ ग्रह होते हैं। पाप कर्तरी तब बनता है जब दोनों साइड पाप ग्रह होते हैं। लेकिन कर्तरी योग किसी भी भाव को बहुत एक्टिवेट कर देता है। तो आपका जब लग्न ही एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे ही बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन होगा, तो आपके जीवन में शुभता और बढ़ेगी। ये वो समय होगा जब जीवन में नए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए काम मिलेंगे, और आपका जीवन बहुत हद तक बदल जाएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ नया करने का अवसर मिलेगा और अपने ऊपर भी काम करने का अवसर मिलेगा। तो नवी भविष्यवाणी ये है कि कर्तरी योग आपके लग्न भाव को एक्टिवेट कर देगी, और जब लग्न एक्टिवेट हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी नई जो पॉसिबिलिटीज है वो खुल जाती हैं। अब चलते हैं अंतिम भविष्यवाणी की, यानी कि दसवीं भविष्यवाणी की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण है, केतु आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं और पूरे साल बैठेंगे। केतु का छठे भाव में बैठना मंगल की तरह प्रभाव देता है। तो अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है उसमें आपको सफलता मिलेगी, कोर्ट केस चल रहा है उसमें सफलता मिलेगी। आप अपने दुश्मनों पर भारी रहेंगे, और आपके दुश्मन आपको कितना भी तंग करने का कोशिश करें, इस वर्ष यानी कि वर्ष 2024 में केतु के कारण वो आप पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो एक केतु महाराज भी आपके लिए छठे घर में बैठकर आपको बहुत उच्च कोटि के रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये थी मेरी 10 भविष्यवाणियां साल 2024 की। इस वीडियो को बनाने का औचित्य यही था कि आपके साल की शुरुआत सकारात्मकता के साथ हो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।